हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। बच्चों, आपकी सीबीएसई की एग्जाम्स आने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, और अगर आप टेंस्ड है कि हिंदी कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए ओसवाल गुरुकुल एक बहुत ही अमेजिंग बुक लेके आए हैं, सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, राइट? तो आइए देखते हैं इस बुक को। तो इसमें बच्चों 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, चैप्टर की समरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हर चैप्टर के पहले, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, और स्पेशल फोकस है ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है बच्चों, और ये कंप्लीट गाइड है फॉर सेल्फ स्टडी ऑफ द चैप्टर। दिस इज फॉर 2022 एग्जामिनेशन, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सर्कुलर। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये सब चीजों के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डाउट नट के साथ कोलैबोरेशन किया है। हम डायरेक्टली चैप्टर्स पे जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये भी एक बहुत अमेजिंग चीज है कि आप सैंपल पेपर्स खुद के क्रिएट कर सकते हैं 2 मिनट्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के पहले, तो आप क्या कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा oswal.io के लिए। ठीक है, फॉर फ्री। आपको क्या करना है, आपको स्टेप वन में चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे आपने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए उस पर आपको सैंपल पेपर चाहिए, राइट? तो वो 3-4 चैप्टर सिलेक्ट कर दीजिए, फिर क्वेश्चन का टाइप सिलेक्ट कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए आपको, मल्टीपल चॉइस चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर चाहिए, या ऑल, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग। सिलेक्ट द डिफिकल्टी लेवल, इजी, मीडियम, हार्ड, ऑल। ठीक है, और फिर टाइमर सिलेक्ट कर दीजिए कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना चाहिए। बस क्या है, फिर अपना टेस्ट स्टार्ट कीजिए। क्लिक ऑन स्टार्ट एंड टाइप योर आंसर्स इन द गिवन स्पेस। ठीक है, अगर इक्वेशन वगैरह है तो टेक्स्ट इक्वेशन एडिटर आप यूज कर सकते हैं, बट हिंदी में यू डोंट नीड दिस। सो स्किप एनी क्वेश्चंस, अगर आपको श्योर नहीं है तो आप स्किप कीजिए और अपना रिजल्ट जान लीजिए ईमेल के थ्रू राइट अवे। आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशल हाइलाइट्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस बुक में आपको हिंदी, दिस इज फॉर हिंदी बी, ओके, हिंदी बी के लिए है। तो इस बुक में आपको मिल जाएगा मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, फिर पतझर में टूटी पत्तियां, कारतूस, हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला। उसके साथ ही देखिए खंड, आपको खंड क में स्पर्श मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पद्य खंड और गद्य खंड, फिर संचयन के भी ये तीनों चैप्टर मिल जाएंगे, और खंड ख में लेखन भी आपको मिल जाएगा इस बुक में, जिसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा लेखन है, राइट? तो ये सभी, ये भी बहुत ही अमेजिंग पार्ट है इस बुक का। बट अब राइट नाउ वी विल सी दिस चैप्टर्स। चलिए, तो ये पाठ्यक्रम है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं खंड क, स्पर्श, भाग दो। सबसे पहले पोयम है मनुष्यता, इसमें कवि परिचय दे रखा है, फिर शब्द संपदा दे रखी है, यानी कि जितने भी वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, काफ़ी सारे मीनिंग्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आप देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, देखिए काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर पद्यांशों की व्याख्या भी दे रखी है, राइट? तो हर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आपको दे रखी है। शब्द के अर्थ तो पहले बता ही दिए हैं, व्याख्या भी दे रखी है, ताकि आप अच्छे से चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं। सो ये आपके गाइड का भी काम करता है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता है। अब पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, अब पैराग्राफ पर बेस्ड, हर एक पैराग्राफ पर बेस्ड MCQs कैसे आएंगे वो आपको दे रखा है। ठीक है, ये सभी MCQs है पैराग्राफ पर बेस्ड। पहले जो MCQs थे वो जनरल पूरी पोयम पे बेस्ड था, ये पैराग्राफ पे बेस्ड है। उसके आंसर्स भी साथ ही दे रखे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब है पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर, ये सब आपको इस तरीके से दे रखे हैं। ये देखिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स आर गिवन टू यू, भाव स्पष्ट कीजिए, सभी टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आपको दे रखा है योग्यता विस्तार क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, राइट? यहाँ आप देख सकते हैं
रंतिदेव, दधीची, कर्ण आदि के आदि पौराणिक पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये सब के आंसर्स भी आपको दे रखे हैं। परियोजना कार्य और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है, एग्जाम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, राइट। सो एक ही चैप्टर से आपको कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई पोएम्स की बात। अब हम मैं आपको गद्य पाठ में ले जाती हूँ। ये देखिए, लेखक का परिचय, पाठ का परिचय, फिर पाठ का सारांश। इस तरीके से आपका चैप्टर बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम के पहले आपके पास कम टाइम है तो हर चैप्टर का आप पाठ का सारांश पढ़ सकते हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख सकते हैं, तो आप क्विक रिविजन कर सकते हैं, राइट। फिर ये देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी सारे दे रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, पैराग्राफ पर बेस्ड। तो एक एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पर कौन कौन से MCQs आ सकते हैं। फिर पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और रचना और अभिव्यक्ति। फिर योग्यता विस्तार प्रश्नोत्तर और परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पद्य और गद्य को कवर कर रखा है। अब हम देखते हैं, अब हमने ये चीज़ें देख ली, संचयन में देख लेते हैं हरिहर काका को और फिर मैं आपको लेखन दिखा दूंगी, ठीक है। तो 66 पेज पे ये देखिए, पाठ का सारांश, शब्द संपदा। अगर आप हर टेक्स्ट, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और इन शब्द संपदा से आप मार्क कर लीजिए पूरे चैप्टर में, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ जाएंगे और फिर आप पाठ का सारांश पढ़ के क्विक रिविजन कर सकते हैं चैप्टर्स का, करेक्ट। फिर ये देखिए, MCQs, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ MCQs, गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अक्सर बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हिंदी की बहुत ही अमेजिंग बुक बनाई है। देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। फिर पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, MCQs ही कितने सारे हो गए, देखिए, राइट। अब पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इन्होंने। टोटल आप देख सकते हैं 105 प्रश्न हैं यहाँ पे, राइट। तो बहुत डिटेल में इन्होंने सभी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब हम जाते हैं हमारे लेखन पाठ पर, राइट। सो वो है हमारा पेज नंबर 119 से, खंड ख लेखन, ओके। तब शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। फिर आपको काफ़ी अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है, संकेत बिंदु और फिर उसके बाद जो अनुच्छेद है वो लिखा हुआ है यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको इन निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना है। और फिर आपको काफ़ी सारे, देखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, सफलता की कुंजी परिश्रम, हिंदी भाषा का बढ़ता परिवेश, परोपकार, समाज में बढ़ती अराजकता, भारतीय किसान और कृषि, स्वच्छ भारत अभियान, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मेरे जीवन का लक्ष्य स्वच्छता ही सेवा है, मेरे सपनों का विद्यालय। तो काफ़ी सारे अनुच्छेद देखिए कितने सारे हैं, सच्ची मित्रता, आधुनिक युग की महिलाएं, पर्यावरण संकट, प्लास्टिक, पर्यावरण की जान वृक्ष, आत्मविश्वास एक दिव्य गुण, भारतीय पर्व, समाचार पत्र, संचार का सुलभ तंत्र। ये देखिए कितने हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, बाप रे कितने सारे हैं। सो काफ़ी सारे अनुच्छेद आपको दे रखे हैं। फिर यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं अनुच्छेद लेखन के लिए, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हम देखते हैं टोटल कितने सैंपल्स दे रखे थे, 33, ठीक है। फिर देखिए पत्र लेखन भी बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो पत्र लेखन में आपको यहाँ देखिए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बीच में डिफरेंस बताया है पहले तो, ठीक है। फिर पत्रों का आरंभ और समापन कैसे करना है, थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको।
तो आरंभ और समापन कैसे करना है आपको, तो जो भी संबंध है उसी हिसाब से संबोधन आएगा, वैसा ही अभिवादन आएगा और वैसा ही समापन आएगा। ठीक है, जैसे कि माता पिता के लिए संबोधन आएगा पूज्य या पूज्या, अभिवादन आएगा सादर चरण स्पर्श, समापन आएगा आपका प्रिय पुत्र। ठीक है, अगर दादा दादी को लिख रहे हैं तो पौत्र, बड़े भाई बहन को लिख रहे हैं तो स्नेहाभिलाषी, आचार्य को लिख रहे हैं तो कृपाकांक्षी, शिक्षक मित्र तुम्हारा अभिन्न। ठीक है, तो कृपाकांक्षी आचार्य और शिक्षक के लिए, सखी या मित्र के लिए तुम्हारा अभिन्न, छोटा भाई बहन के लिए तुम्हारा अग्रज या शुभेच्छु। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनौपचारिक पत्र, फिर औपचारिक पत्र के लिए भी दे रखा है। ठीक है, उनके सभी के प्रकार दे रखे हैं कि आवेदन पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है। ठीक है, अब व्यवसायिक पत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती है, सहकारी पत्र क्या होते हैं, अव्यवसायिक संस्थाओं के मध्य पत्राचार, तो सभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और फिर आपको पत्र दे रखे हैं, तो औपचारिक के देखिए, एक आवेदन पत्र है, दूसरा भी आवेदन पत्र है, तीसरा है शिकायती या सुझाव पत्र, फिर शिकायती सुझाव पत्र, शिकायती सुझाव पत्र, आवेदन पत्र नौकरी के लिए, आवेदन पत्र संपादक को पत्र, शिकायती पत्र। ठीक है, तो काफी सारे सैंपल्स आपको दे रखे हैं, ये देखिए आवेदन पत्र, संपादक, अन्य, सुझाव पत्र, शिकायती पत्र, सो काफी कुछ दे रखे हैं, टोटल यहाँ आपको दे रखे हैं 19। फिर देखिए सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग, तो सूचना लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रखी है आपको, फिर काफी सारे उदाहरण लेके बता रखा है ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो फॉर्मेट में, और आपको काफी सारी आपकी वोकैबलरी काफी अच्छी हो जाए। मैंने ये पढ़े हैं, इसकी वोकैबलरी काफी स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं। फिर आ गया अपना विज्ञापन लेखन यानी एड, ओके एडवर्टीजमेंट, तो विज्ञापन लेखन कि क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब हल सहित प्रश्न दे रखे हैं, राइट। तो पहला अगर आप देखें तो केश कांति आयुर्वेदिक तेल नामक उत्पाद हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने एक छोटा सा पिक्चर बना रखा है, अच्छी सी हेडिंग दे रखी है। ठीक है, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी सारे विज्ञापन दे रखे हैं, यहाँ देखिए, राइट। तो बहुत सारे विज्ञापन दे रखे हैं यहाँ पर, और अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। लघु कथा लेखन देखिए, लघु कथा मतलब छोटी कहानियाँ, लघु कथा, ओके शॉर्ट स्टोरीज। तो लघु कथा लेखन प्रक्रिया के प्रमुख तत्व पॉइंट्स दे रखे हैं कि प्रमुख क्या क्या कहना है, उसमें क्या कहना है, या कथानक का चुनाव क्यों कहना है, उसका उद्देश्य क्या कहना है, भाषा और कथा का शिल्प, शीर्षक, फिर लघु कथा का अंत। तो हर एक पॉइंट, ये पूरे जितने भी 7 पॉइंट्स है उनको कवर करना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं और ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी सारे उदाहरण दे रखे हैं लघु कथा के। अराउंड 24 उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है 24 उदाहरण दे रखे हैं, और उसके अलावा आपको 26 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपको लघु कथा के क्वेश्चंस आते हैं बीच में ब्लैंक 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 करके, राइट। सो दे हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्टडी फॉर योर हिंदी बी एग्जाम्स फॉर टर्म 2 फॉर CBSE। सो मैं इस बुक का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, I'll provide you the link of the book in the description box. You can go ahead and purchase it. So all the best for your board exams.